हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स 11 पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रोमानिया टिटैनिक का। दोस्तों ये 42वां मुकाबला जो कि खेला जाना है बचेस्टर जालमी वर्सेस गाइस यहां पे ग्लैडिएटर्स के बीच में। तो दोस्तों हम बात करेंगे दोनों टीम की स्टार्टिंग प्लेइंग 11 लाइनअप क्या रह सकती है, साथ ही इस मैच के अंदर स्मॉलिंग और ग्रैनली का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे बेस्ट चॉइस आज के मैच के लिए, और साथ ही गाइस इस टीम के अंदर कुछ चेंजेस आपको आज के मैच में देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आज के मैच में पूरे दो ओवर कंप्लीट बॉलिंग कौन सा प्लेयर करेगा और कौन सा प्लेयर कहां पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले गाइस आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको जो है कॉमेंट बॉक्स और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से हमारे साथ ज्वाइन कर पाएंगे। तो गाइस अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपनी टीम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बता दूँ आपको, तो गाइस मैंने एक टीम जो है क्रिएट कर रखी है, यहाँ पे आपको मैं ऑल प्लेयर्स के बारे में सारा कुछ डिटेल दूंगा जिससे आप आसानी से टीम अपनी क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ जो है हमारे पास विकेट कीपर सेक्शन है, तो गाइस विकेट कीपर सेक्शन में आपको ये लास्ट के चार प्लेयर दिख रहे हैं, यहाँ से इनके जो खेलने के चांसेस इस मैच में ज़्यादा है। खास करके दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर ए राशिद अभी लास्ट जो मैच इनके जालमी का भी दोस्तों हुआ है, वहाँ पर ये मैं प्लेयर खेल रहा था, वहीं गाइस यहाँ पर तिवारी लास्ट मैच जो खेला था ग्लैडिएटर्स के टीम की तरफ से। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूँ मैं अपनी टीम में यहाँ पर ए राशिद को लेके चल रहा हूँ, इसका गाइस कारण है गाइस यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बनानी है हमने टीम को काफ़ी अच्छी खासी में क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण हम यहाँ पे इसको लेकर चल रहे हैं। वहीं गाइस अगर आप यहाँ पे चाहो तो वी तिवारी को ट्राई करना, तो इसको अपनी टीम में ले सकते हो। फिलहाल गाइस हमारे पास सेफ और बेस्ट पिक यहाँ पे जो है ए राशिद रहने वाला, और इस मैच के अंदर इसके चलने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। गाइस यहाँ से मैंने बैटिंग सेक्शन से दो प्लेयर ले रखे हैं, जहाँ पर मैंने एरल दुसांथा को लिया जो कि गाइस हर मैच वो कंटिन्यू बैटिंग के साथ बॉलिंग करके दे रहे हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इस मैच में इस प्लेयर का रहने वाला है। कंप्लीट दो ओवर बैटिंग बॉलिंग प्लस गाइस यहाँ पे आपको टॉप ऑर्डर में वन डाउन या टू डाउन बैटिंग करके भी देगा आज के मैच में। नेक्स्ट गाइस देखा जाए तो यहाँ पे एस अफरीदी रहते हैं, साथ ही गाइस यहाँ पे बुद्धिका रहेंगे, और गाइस एस परेरा और जैनी इस मैच में खेलते नजर आएंगे। लेकिन गाइस देखा जाए तो इनमें से भी रिसेंटली किसी प्लेयर का परफॉर्मेंस उतना खासा अच्छा नहीं, खास करके आप इन दोनों को ड्रॉप करके चलेगा। अगर आपको ट्राई करना है तो गाइस इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को ट्राई करना है, जहाँ पर गाइस मैं बोलूँ तो आपके लिए एस अफरीदी कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे पिक बन सकते हैं अगर इसकी टीम पहले बैटिंग करे। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ते बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और दोस्तों ग्रैनली के मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं ए नाव की। वहीं के बाद बात करते हैं यहाँ पे जय सूर्या जो कि गाइस अभी लास्ट मैच में अभी जो इनका मैच हो रहा है गाइस जालमी का, तो वहाँ पे प्लेयर के लाइनअप में नहीं खिलाया गया था, अगर इस मैच में खेले तो गाइस इसको टीम में लेकर चलिएगा, अदरवाइज दोस्तों मैं आपके लिए जो कॉम्बिनेशन बनाया वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे डी लकमल की बात करूँ दोस्तों, ये प्लेयर केवल ग्रैनली में ट्राई करना है, स्मॉलिंग में इसको अपनी टीम में मत लीजिएगा, काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। टी उल हसन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट चॉइस रहेगा आज के मैच में दोस्तों यहाँ पे स्मॉल लीग के अंदर। वहीं गाइस हम बात कर लेते हैं अभी आगे, जैसे कि हमने अपने टीम में प्लेयर दो ले रखे हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ऑलराउंड सेक्शन में, जहाँ से मैंने पांच प्लेयर टीम अपने लिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि दोस्तों हमारे पास जो प्लेयर्स रहते हैं गाइस नीचे से हम बात कर लेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको देख सकते हैं इस शुरू गाइस यहाँ पे ग्रैंडली खेलने वाले प्लेयर्स इसको जरूर ट्राई करें आज के मैच में, बॉलिंग से आपको काफ़ी अच्छा खासा करके देने वाला है, तो यहाँ पे इसको टीम में जरूर ले लेना गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे एम कोहली रहते हैं, टी नासिर, दोस्तों दोनों ही प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके दोस्तों एम कोहली इस मैच के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक बनने वाले हैं। टी नासिर दोस्तों एवरेज परफॉर्मेंस देगा इस मैच में, तो यहाँ पे इसको टीम में आप लेकर चलते हैं, स्मॉल लीग के लिए काफ़ी अच्छा खासा रहेगा जो कि बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग दो ओवर कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। आगे हम दोस्तों बात कर लें तो यहाँ पे गाइस ए रहमान की बात की जाए तो लास्ट मैच में दोस्तों इसको 6 में 7वें नंबर बैटिंग के लिए केवल भेजा गया था, तो थोड़ा सा रिस्की जरूर है, तो इसको अपने टीम में फिलहाल अभी स्मॉल लीग में ट्राई मत करना गाइस। अगर इसकी कोई अपडेट आती है तो यहाँ पे आपको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो अगर इसकी टीम पहले बैटिंग करे फिलहाल। और गाइस नेक्स्ट हमारे पास आर्मेंडिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेगा दोस्तों, बॉलिंग से आपको दो ओवर कंप्लीट डाल के देंगे जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो की बात करूँ गाइस यहाँ पे तो ये प्लेयर आपको दो ओवर कंप्लीट बॉलिंग प्लस गाइस यहाँ पे वन डाउन बैटिंग करके देगा, जिससे इस मैच में आपको काफी अच्छे खासे पॉइंट देगा, और इसका रिसेंट परफॉर्मेंस से काफी गजब का है दोस्तों। वहीं गाइस देखा जाए तो एस हमीदी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं जो कि गाइस हर मैच में लगातार काफ़ी अच्छी खासी देखा जाए, लास्ट के जो दो मैच वहाँ पे थोड़े से फ्लॉप रहे थे, लेकिन इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इस मैच में करने वाले हैं, तो इसको टीम में हम ले रहे हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन से आप करना चाहते हैं आपके लिए सेफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं गाइस बॉलिंग सेक्शन से हमने दोस्तों यहाँ से अपनी टीम में जो ले रखा है दोस्तों जे कागड़ा को ले रखा है, उसका दोस्तों एस जाट रहते हैं, किस बात करते हैं डब्ल्यू अहमद रहने वाले हैं। साथ ही गाइस आगे हमारे पास जो प्लेयर रहेंगे दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने जो है बी यू जी
पबजी की टीम की तरफ से जो है सी जो को अपनी टीम में लिया हुआ। ये जावर दोस्तों ग्रैंड लीग के अंदर ही काफ़ी ट्राई कीजिएगा, उसके अलावा स्मॉल लीग में बहुत ही रिस्की है, तो फिलहाल हम इसको अपनी टीम में नहीं ले रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे जो मेरे पास सेफ पिक उसका मैंने ले लिया गाइस, ये प्लेयर बात करूँ ये दोनों इस मैच में मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड लीग खेलो तो इन दोनों का कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच में कर सकते हो दोस्तों। इसकी बॉलिंग से आपको अच्छे खासे विकेट, इसमें से वो एक प्लेयर होगा जो कि कम 3 विकेट आपको निकाल कर दे सकता है। तो इसमें से यहाँ पे जब भी आपने मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ऊपर मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि जाडेजा के बारे में, तो दोस्तों ये प्लेयर आपको बैटिंग भी करके देगा 5वें नंबर पर या फिर 4थे नंबर पर, और साथ ही आपको 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके दे रहा है। तो बहुत अच्छे खासे पिक है ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन, सब ट्राई करिएगा जरूर। जब आपकी जो अलग अलग टीम्स बन रही तो वहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हो अभी आप। नेक्स्ट गाइस हम यहाँ पे अपनी टीम की जो है प्रीव्यू देख लेते हैं फाइनल, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 7-4 का कॉम्बिनेशन रखा है, जहाँ पे गाइस विकेट कीपर ए राशि रहेंगे, उसका दोस्तों दुसंता रहेंगे, साथ ही टी उल हसन रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों सामिद और जो नाजिर और गाइस यहाँ पे मैंडिस और कोहली रहते हैं। बॉलिंग सेक्शन से मैंने तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ले रखे हैं, साथ ही गाइस इस मैच के विनिंग के चांसेस जो है BUG के काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इनके टीम को फेवर करते हुए काफ़ी अच्छे खासे ग्रैंड लीग टीम्स बना सकते हैं। अगर आपको ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो हमें कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ग्रैंड लीग की टीम्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको फाइनल टीम मिलते हैं हमारे टेलीग्राम पे मल्टी टॉस के बाद, तो यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों टीम कैसी लगी कमेंट में ये भी बता दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।